हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ एंड इस वीडियो में हम लोग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने सीरीज का। ऑब्जेक्टिव लूसेंट वाली सीरीज चल रही है। इस टॉपिक का नाम है सोशल रिलीजियस मूवमेंट इन 19th 20th मूवमेंट सेंचुरी। ठीक है, सोशल रिलीजियस मूवमेंट हुआ था जो 19th और 20th सेंचुरी का, उनके बारे में, उनसे रिलेटेड जो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। एंड बिलीव मी गाइस, ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल हैं कि आप ये समझ लो कि ये मतलब बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं, फोकस एरियाज रहे हैं ये, और इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही हाई, 90% मैं बता रहा हूँ चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। एंड एक और फ़ायदा होता है जब आप ऑब्जेक्टिव करते हो ना, तो योर माइंड गेट ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिमांड। वो आप देखते हो किस तरीके का क्वेश्चन का डिमांड है, आप अपनी एनालॉजी लगाते हो, आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ आई वुड से कि मतलब मैंने स्टार्ट किया है और बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है, तो डेफिनेटली आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स देखना है हमें 19th एंड 20th सेंचुरी के बीच में जो भी हुए हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में खुला था, उसके फाउंडर कौन थे? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है ना, उसी को मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से अलीगढ़ में शुरू से स्टार्ट किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है सर सैयद अहमद खान। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है सर सैयद अहमद खान, ठीक है, करेक्ट आंसर है डी। अगला सवाल देखते हैं, द आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज, स्वामी, बताइए, आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना। बहुत ईजी सवाल चल रहा है दोस्तों अभी, आर्य समाज की स्थापना वगैरह है ना, 1875 में कहें तो ये इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट वॉज फर्स्ट बी स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी? कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट जो है 19th सेंचुरी में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आपको बताना है। ब्रह्मो समाज 1828 है ना, प्रार्थना समाज ये थोड़ा लेट है, 1867 के आसपास का है, आत्मारंग पांडुरंग वगैरह इसके थे, आर्य समाज 1875 का है, रामकृष्ण मिशन ये भी बेलूर मठ वाला, ये भी लेट ही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ब्रह्मो समाज। हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? सर सैयद अहमद खान, बहुत रिपीटेड सवाल है, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट के। और ये मूवमेंट क्या था थोड़ा सा बताया, तो ये मूवमेंट में क्या था ना, इन्होंने कहा सर सैयद अहमद का, थोड़े से मॉडर्न विचार के थे, बोले ना मुस्लिमों को भी थोड़ा सा मॉडर्नाइज होना चाहिए, साइंस वगैरह ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए जो कि मतलब रिलीवेंट है, मदरसों में पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एजुकेशन से रिलेटेड ये मूवमेंट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्हेन वाज द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड? करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस कब फाउंड किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1927 में फाउंड किया गया था ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो था, ये 1927 में फाउंड किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं, विच रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ वेस्टर्न इंडिया के हैं ये, वॉज नोन एज लोकहितवादी? तो लोकहितवादी जहाँ भी पूछे ना वहाँ पे लगाना, गोपाल हरि देशमुख या फिर G.H. देशमुख इनको बोलते हैं, इनको लोकहितवादी कहा जाता था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। लिस्ट वन में क्या है, इंस्टीट्यूशंस हैं और उससे एसोसिएटेड, उस इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड पर्सन लिस्ट टू में है, तो आपको मिलान करना है। आत्मीय सभा के फाउंडर थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। आदि ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे अपने आदि ब्रह्मो समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर थे। फिर संस्कृत कॉलेज के कौन थे? अरविंदो घोष थे। फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के कौन थे? करेक्ट आंसर है वन, इसके थे
सी का, सॉरी टू होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों, एक बार फिर से मिलान करते हैं। ए के आत्मीय सभा के थे राजा राम मोहन रॉय, बी जो है इसके फाउंडर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, संस्कृत कॉलेज खोला था इन्होंने, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के कौन थे, ये थे सी के टू अरविंदो घोष, और बच गया आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर है आपका बी, करेक्ट आंसर है बी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द बेथून कॉलेज इन कैलकटा, कैलकटा में बेथून कॉलेज किसने फाउंड किया था, इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कोलकाता में या फिर कैलकटा कह लें, कैलकटा में बेथून कॉलेज का फाउंडेशन रखा था। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका ओरिजिनल नेम क्या था, दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम था मूला शंकर इनका ओरिजिनल नाम था, ये पूछा गया CPOSI में। ठीक है मूला शंकर इज द राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है 19th century री अवेकनिंग इन इंडिया वॉज कन्फाइंड टू, 19वीं शताब्दी का री अवेकनिंग जो मूवमेंट था इंडिया का ये कन्फाइंड था कहाँ तक, क्या प्रिस्ली क्लास तक था या अपर मिडिल क्लास तक था या फिर रिच पीजेंट्री तक पहुँच गया था या फिर अर्बन लैंडलॉक तक ही सीमित था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये अपर मिडिल क्लास में ही ये कन्फाइंड था। ठीक है जो ये मूवमेंट चला था री अवेकनिंग का ये किसानों तक नहीं पहुंचा, अपर मिडिल क्लास तक ही लिमिटेड रह गया था। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर। कंसीडर करना है आपको स्टेटमेंट्स को राजा राम मोहन राय से संबंधित और उससे करेक्ट आंसर आपको चुनना है। राजा राम मोहन रॉय एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, क्या इन्होंने किया था, तो नहीं इन्होंने ये सब बातें नहीं की थी। ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, ये इन्होंने बोला था। ही एडवोकेटेड फॉर प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, तो जी हाँ ये भी वो फेवर में रहे थे इंग्लिश एजुकेशन के, तो ये भी सही है। और सम हाउ इस जो पहला है ना ये भी सही है, मैंने गलत काट दिया था, आई एम सॉरी। इसमें क्या है ना इन्होंने एडवोकेट तो किया ही था विडो रीमैरिज का, लेकिन इसमें जो मेन नाम आता है ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आता है, क्योंकि वो विडो रीमैरिज का मतलब वो मेन वो नेता थे, मेन वो रिफॉर्मर थे, सेक्टर पे काफ़ी काम किया था इन्होंने, बट राजा राम मोहन रॉय ने भी ये बातें करी थी तीनों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है, अगेन लिस्ट टू वन में सोसाइटी है, लिस्ट टू में फाउंडर्स हैं उससे रिलेटेड। थियोसोफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर थे थियोसोफिकल सोसाइटी की बात हो रही है तो इसके फाउंडर थे एनी बेसेंट। ठीक है और दादा भाई नौरोजी किसके फाउंडर थे, सोचिए लंदन इंडियन सोसाइटी के फाउंडर थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के थे गोपाल कृष्ण गोखले, और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी के थे लाला लाजपत राय। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4, करेक्ट आंसर है सी 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट है 13 नंबर। हु अमंग द फॉलोइंग सेटअप आत्मीय सभा कैलकटा इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century, ये आपसे सवाल पूछा है। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century में किसने आत्मीय सभा कलकत्ता में स्थापित किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राजा राम मोहन रॉय आत्मीय सभा 1917 में, ठीक है करेक्ट आंसर होगा, इसे 1917 में गठन किया गया था। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, हेनरी डेरोजियो होना चाहिए इसका, खैर इसमें क्या पूछा है किसने फाउंड किया था। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एशियाटिक सोसाइटी यंग बंगाल मूवमेंट था वो हेनरी डेरोजियो, सॉरी एशियाटिक सोसाइटी बंगाल जो था इसके फाउंडर पूछा है, फॉर किस लिए फाउंड किया गया था, फाउंडेड फॉर कैरिंग ऑन रिसर्चेज इनटू पास्ट हिस्ट्री और एंटिक्विटी ऑफ इंडिया, टू एग्जामिन द पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इंडियंस, फॉर डेवलपिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, फॉर कैरिंग आउट सोशल रिफॉर्म। दोस्तों इसका क्या पर्पस पूछा है आपसे, आप सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होना चाहिए। दोस्तों ये जो सभा ये जो सोसाइटी है ना एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, ये इसलिए फाउंड किया गया था ताकि कैरी किया जा सके और रिसर्च किया जा सके, कैरिंग और ऑन रिसर्च इनटू पास्ट हिस्ट्री एंड एंटीक्विटी, जो हमारी पास्ट हिस्ट्री है ना वो बुरी नहीं रही है तो उसको
रिसर्च करके उसकी अच्छी बातों को आगे लाने के लिए एशियाटिक सोसाइटी बंगाल को फाउंड किया गया था। बहुत हमारा जो ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने उसको बहुत मतलब खो दिया है। वो फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय ने 1828 में इसकी स्थापना की थी। 1828 में राजा राम मोहन राय ने। आपको अगला सवाल पूछा है कि सॉरी आपसे अगला सवाल क्या है मेरा देख लीजिए। आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गिवन ऑर्गेनाइजेशन। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, सबसे पहले उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद ऐसे करके। तो देखिए सबसे पहले तो ब्रह्मो समाज, इन चारों में देखा जाए ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, मद्रास महाजन सभा में, तो इसमें सबसे पहले तो ब्रह्मो समाज आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो गए। ब्रह्मा सभा के बाद क्या आना चाहिए? मद्रास महाजन सभा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसका लेट स्थापना हुआ था। आर्य समाज आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 16 का जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16 का ए। 17 देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो इसका तो एक ही आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले इसके फाउंडर थे। फैक्ट है ये, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। हु फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकटा? ये थोड़ा सा अच्छा सवाल लगा मुझे, क्योंकि ये सवाल ना बहुत बार पूछा भी गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस होंगे क्या? लॉर्ड एलन बोरो होंगे क्या? लॉर्ड मैकाले होंगे क्या? मैकाले कमीशन तो वही है अपना, जो एजुकेशन से रिलेटेड था, और लॉर्ड मैकाले ने ही आईपीसी वगैरह बनवाया था, तो लॉर्ड मैकाले तो नहीं होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की बात की जा रही है, क्या वो लॉर्ड वेलेस्ली थे? कौन होने चाहिए आपके हिसाब से? सोचिए थोड़ा सा, आंसर कीजिए। आप थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं, इसको पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली करेक्ट आंसर है, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट देखते हैं। सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड पनिशेबल बाई रेगुलेशन 17 ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप। तो देखिए बताया जाता है ना कि राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की खूब पट्टी थी, आपस में बातचीत करना, एक बहुत अच्छे मतलब फ्रेंडशिप आप कह सकते हो इन दोनों के बीच में थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि सती के अगेंस्ट में दोनों खड़े थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक भी चाहता था कि सती पुलिस करे, और कर भी दिया इसने। इसने बहुत सारा सोशल रिफॉर्म वाला जो काम है वो किया था इसने, जैसे कि सप्रेस किया था ठगों को। ठग जो होते थे काफ़ी फेमस हो गए थे उस समय, ठगों को सप्रेस किया था, सती सिस्टम को एबोलिश किया था, ऐसे कई सारे नेक काम किए थे इसने। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इज़ द राइट आंसर, 19th का हो जाएगा ए। अगला सवाल देखेंगे, ठीक है दोस्तों, 19th का आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा ही हो गया। तो 20th क्वेश्चन देखिए दोस्तों। लिस्ट वन को लिस्ट टू से अगेन मैच करना है। लिस्ट वन में मूवमेंट्स है और लिस्ट टू में पर्सनालिटीज उससे रिलेटेड है। कौन सा मूवमेंट किस पर्सनालिटी से रिलेटेड है वो आपको आंसर में आपको चुनना है, ठीक है। 20th क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो देखिए आपको मिलान करना है, सत्यशोधक मंडल जो था इसके जो फाउंडर थे या फिर रिलेटेड पर्सनालिटी थे वो थे मेहताजी दुर्गाराम मंचाराम। मानव धर्म सभा जो था ये इससे रिलेटेड थे ज्योतिबा फुले साहब। दर्पण मूवमेंट जो चला था इससे रिलेटेड थे बाल शास्त्री जावेकर। और यंग बंगाल मूवमेंट जो था ये हेनरी विवियन देरोजियो से संबंधित था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। लिस्ट वन को लिस्ट टू से अगेन मैच करना है। लिस्ट वन में ईयर है और इवेंट क्या हुए, लिस्ट वन और टू में मिलान करना है ईयर और इवेंट के हिसाब से। 1764 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ऑलरेडी हमने कई बार पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अच्छा 1829 में क्या होना चाहिए दोस्तों? 1854 मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है तो मैं मिलान कर देता हूँ। 1854 में वुड डिस्पैच आया था एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, कि इंडिया में किस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए, ओरिएंटल होनी चाहिए
या फिर इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए। तो 1854 में आया था। 1856 में क्या आया था? 1856 में हुआ था विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था 1856 में। तो एक ही तो बच रहा है 1829, लेकिन ऑप्शन कितने बच रहे हैं आपके पास? दो, एक तो एबोलिशन ऑफ सती बच रहा है और एक एग्जम्पशन ऑफ दीवानी। तो 1829 में विलियम बेंटिक के समय में एबोलिशन ऑफ सती हुआ था। तो आपको आंसर मिल गया ना दोस्तों, ए का 1, ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। करेक्ट आंसर है सी, ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 22 नंबर सवाल देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द थियोसोफिकल सोसाइटी इन 1879। थियोसोफिकल सोसाइटी में दो लोग जुड़े थे, एक तो थी मैडम ब्लावत्स्की और दूसरे थे एचएस ऑलकॉट। तो ये जहाँ भी मिले वो आपका आंसर हो जाएगा, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर, एसर्शन और रीजन वाला आ गया। देख लो दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज रिपील्ड इन 1882 बाय रिपन। ये 100% सही है। अब इसका क्या रीजन सही होगा कि नहीं देख लेते, पहले रीजन सही है उसके बाद सोचेंगे कि क्या ये इसका एसर्शन का ये एक्सप्लेनेशन भी सही है क्या, देख लेते हैं। द एक्ट डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द इंग्लिश प्रेस एंड द वर्नाकुलर प्रेस, यही गलत हो गया। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, कहाँ है? सी में है। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। 24 नंबर देखिए क्या है, 24 नंबर पूछ रहा है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड सेंट्रल हिंदू स्कूल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के समय सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? क्या एनी बेसेंट ने की थी, या फिर विकाजी कामा ने की थी, या फिर एम जी रनारे ने की थी, या फिर मदन मोहन मालवीय ने की थी? सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात की जा रही है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है एनी बेसेंट, करेक्ट आंसर है हिंदू स्कूल जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, Amongst the following, who cooperated with राजा राम मोहन रॉय इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिज एजुकेशनल प्रोग्राम्स, किसने कोऑपरेट किया था? क्या वो हेनरी विवियन डेरोजियो थे? जी नहीं, ये नहीं थे। कौन थे? क्या वो डेविड हरे थे? क्या वो डेविड हरे थे दोस्तों? सोचिए, बिल्कुल सही, डेविड हरे ही थे। डेविड हरे ने राजा राम मोहन राय कोऑपरेट किया था इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिज एजुकेशनल प्रोग्राम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय द ब्रह्मो समाज स्प्लिट इंटू टू सेक्शंस, दैट इज ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड आदि ब्रह्मो समाज। हु वेयर द लीडर्स ऑफ टू सेक्शंस रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों। एक के तो देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए थे, इतना तो श्योर है। दूसरे के कौन थे आप सोचिए थोड़ा सा, ठीक है? दूसरे के थे केशव चंद्रसेन, मतलब कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के थे केशव चंद्रसेन और आदि ब्रह्मो समाज के थे देवेंद्रनाथ टैगोर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। और भी सवाल देखते हैं, अगला सवाल है कुका मूवमेंट। कुका मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? क्या वो गुरु गोविंद सिंह थे? नहीं, गुरु नानक भी नहीं थे, गुरु रामदास ही इसका सही आंसर हो जाएगा, बिकॉज गुरु राम सिंह भी नहीं थे। तो कुका मूवमेंट जो था पंजाब में हुआ था, कुका मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट माना जाता है, और इसके जो ऑर्गेनाइजर थे वो गुरु रामदास थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 27th का ए, गुरु रामदास नहीं, सॉरी दोस्तों, गुरु राम सिंह, रामदास नहीं थे, गुरु राम सिंह थे। मैं ही थोड़ा सा राम राम में कंफ्यूज हो गया, सॉरी। करेक्ट आंसर है गुरु राम सिंह। हु वाज सरदामणि, सरदामणि किसको कहा जाता था? किसकी वाइफ थी? वाइफ ऑफ राजा राम मोहन रॉय, वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस, या फिर मदर ऑफ विवेकानंद, या फिर डॉटर ऑफ केशव चंद्र सेन। तो ये जो सरदामणि थी ना दोस्तों, ये 47th BPSC का सवाल है। ये वाइफ थी किसकी? ये वाइफ थी रामकृष्ण परमहंस की, रामकृष्ण परमहंस की वाइफ थी। नेक्स्ट सवाल है, राजा राम मोहन रॉय इस्टेब्लिश ब्रह्मो समाज इन इंडिया 1828 AD में, कुछ सोचना ही नहीं है। सत्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया था?
तो ये लिखा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के, नहीं सॉरी दोस्तों, ये लिखा गया था, यस करेक्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगेन 47 BPSC में पूछा गया सवाल है। सत्यात प्रकाश, वेदों की तरफ लौटो भी नारा दिया था इन्होंने, है ना, इस बहुत सारी चीज़ें स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। हुआ इज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग के फाउंडर कौन थे? करेक्ट आंसर है शिव दयाल साहेब। ठीक है, शिव दयाल साहेब जो थे वो राधा स्वामी सत्संग के फाउंडर थे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ देव समाज, देव समाज के फाउंडर कौन थे? ये सब थोड़े कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन पूछे गए हैं ज़रूर, है ना, कभी ना कभी ये पूछे गए हैं लेकिन रिपीटेड नहीं है बहुत ज़्यादा। करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री, देव समाज के। हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामकृष्ण मिशन के फाउंडर थे स्वामी, बताइए दोस्तों, विवेकानंद। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के जो फाउंडर थे वो थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, कब फाउंड किया था ये आपको कमेंट सेक्शन में करके मुझे बता देना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर। द लीडिंग लाइट ऑफ द रेनेसा मूवमेंट इन इंडिया वॉज, ये एक स्टेटमेंट है, ये रिपीटेड स्टेटमेंट है कि लीडिंग लाइट ऑफ रेनेसा मूवमेंट इंडिया में किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को, क्योंकि इन्होंने ही स्टार्ट किया था 1817 के आसपास, ये स्टार्ट कर दिया था आत्मीय सभा। उसके बाद 1828 में, मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहीं आत्मीय सभा का 1917 लिख दिया है, वो गलत मान लेना, 1817 ही सही होगा। ठीक है, और 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। तो ये लीडिंग लाइट ऑफ रेनेसा इनको कहा जाता है, लीडिंग लाइट ऑफ रेनेसा। UPPCS के मेंस में पूछा गया सवाल था, हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड विगोरसली एडवोकेटेड फॉर रिलीजियस एजुकेशन इन द इंडियन यूनिवर्सिटीज़, कौन ये प्रमोट करता था कि ना अपनी जितनी भी इंडियन यूनिवर्सिटी है ना उसमें रिलीजियस एजुकेशन ही होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद, रिलीजियस एजुकेशन की को हमेशा ये इंडियन यूनिवर्सिटी में प्रोपगेट किया इन्होंने। हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सोचिए दोस्तों, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कमेंट कीजिए। करेक्ट आंसर है ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला सवाल है, वेयर वॉज द फर्स्ट मदरसा सेट अप बाई ब्रिटिश इन इंडिया, पहला मदरसा जो है ब्रिटिश ने सेटअप किया था इंडिया में कहाँ पे किया था? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कैलकटा में सेटअप किया गया था। लॉर्ड मैकाले इज एसोसिएटेड विद, किस चीज़ से रिलेटेड थे ये? रिफॉर्म इन आर्मी बिल्कुल नहीं, एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम बिल्कुल नहीं, इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड थे, मैकाले कमीशन आया था इनके समय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का सी। अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। अगला सवाल है, विच गवर्नर जनरल हैड एबोलिश स्लेवरी, स्लेवरी किसने एबोलिश किया था? सोचिए दोस्तों, विलियम बेंटिक ने तो सती किया था, क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों? स्लेवरी की बात की गई है ना, स्लेवरी किसने एबोलिश किया था? करेक्ट आंसर है सी, UPPCS का सवाल है प्रीलिम्स का 2008 में, लॉर्ड एलन बोरो। हु ऑफ द फॉलोइंग सेड गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों बताओ? करेक्ट आंसर है इसका स्वामी दयानंद, गुड गवर्नमेंट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब हमें सेल्फ गवर्नमेंट ही चाहिए, गुड गवर्नमेंट नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग पायनियर द सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी की बात हो रही है, सोचिए। करेक्ट आंसर है वही अपने एशिया के प्रकाश पुंज राजा राम मोहन रॉय, यही मेन थे, इन्होंने ये स्टार्ट किया था। फ्रॉम विच एरिया द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? राजा राम मोहन रॉय कहाँ के थे? आप सोचिए, आपको आंसर मिल जाएगा। करेक्ट आंसर है बंगाल। आगे बढ़ेंगे, इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेटेड द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस एट शिकागो, रिलीजन्स का एक वर्ल्ड पार्लियामेंट हुआ था शिकागो में, उसमें विवेकानंद ने पार्टिसिपेट किया था, ये कब किया था? तो 1893 में किया था, 1897 में इन्होंने
रामकृष्ण मिशन का एस्टेब्लिशमेंट किया था बेलूर मठ में, तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये गए थे शिकागो में 1893 में, और एक महिला को इनसे प्यार हो गया था वहाँ पे, है ना। और तो वही है, नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द साइंटिफिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई, साइंटिफिक सोसाइटी फाउंड किया गया था किसके द्वारा, सोचिए दोस्तों। साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद के द्वारा क्या फाउंड किया गया था, अलीगढ़ मूवमेंट, विल्टन कंपनी, लॉर्ड विलियम कॉर्नवालिस में से डिसाइड कीजिए। करेक्ट आंसर है सी ही, करेक्ट आंसर है सर सैयद अहमद खान ने जो है साइंटिफिक सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे आप। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल किंग्स हैड सेंट राजा राम मोहन रॉय एज हिज इनवॉय टू लंदन, तो ये किसने भेजा था, बहादुर शाह द्वितीय ने भेजा था या फिर शाह आलम द्वितीय ने भेजा था, आलमगीर द्वितीय या फिर अकबर द्वितीय, सोचिए दोस्तों। ये बहुत रिपीटेड सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को एज ए मुगल किंग का जो है उपाधि देकर भेजा था, कहाँ पे, इनवॉय लंदन में भेजा था। नेक्स्ट है, क्योंकि पढ़े लिखे थे, काफ़ी पढ़े लिखे आदमी थे। नेक्स्ट है, रीड करना है आपको स्टेटमेंट को और उसके बाद आंसर तक पहुँचना है। पहले तो देखिए, ब्रह्मो समाज सपोर्टेड मोनोथेइज्म, बिल्कुल सही है, एक गॉड की बात करते थे ये लोग। आर्य समाज कंट्रीब्यूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, तीसरा भी सही है, एक और तीन होना चाहिए, तो ये तो आउट कर दो, ये भी आउट कर दो, बचा दो आपके पास ऑप्शन। क्या आंसर होगा दोस्तों, आपका कन्फ्यूजन बच गया दो में। क्या आर्य समाज ने एजुकेशन में तरक्की करने की बात की थी, कंट्रीब्यूट किया था? जी हाँ, बिल्कुल किया था, ये भी सही है, करेक्ट आंसर हो गया आपका, एक दो तीन ऑल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, अगला सवाल है, विच वॉज अ कॉमन एमंग ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन आपसे पूछा है, इसमें कॉमन क्या है सब में, तो कॉमन है नन ऑफ दीज थ्री हैड ए पॉलिटिकल मिशन बट दे हेल्प टू डेवलप स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, करेक्ट आंसर यही है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज अ फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आत्माराम पांडुरंग। व्हेन डिड अकाली मूवमेंट स्टार्टेड, अकाली मूवमेंट जो थे ये बंगाल का पंजाब का मूवमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अकाली मूवमेंट, अकाली पार्टी भी बनी बाद में, ये स्टार्ट हुआ था 1921 में, करेक्ट आंसर है सी, जास का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, हु वाज द इंस्पायरेटर बिहाइंड द यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो, करेक्ट आंसर होना चाहिए, देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, कहीं है, बिल्कुल है, बी पे ही है, करेक्ट आंसर बी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये भी राजा राम मोहन रॉय ही है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन होगा, जो शुरू से ही मॉडर्नाइजेशन की बात जिसने की, और कौन थे वो, प्रकाश पुंज, राजा राम मोहन रॉय। द एकेडमिक एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाई, एकेडमिक एसोसिएशन किसने फाउंड किया था, इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। हु इनिशिएटेड रीजनरेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन 19th century, तो इसका सर सैयद अहमद खान, बिकॉज जो अलीगढ़ मूवमेंट हुआ था, साइंटिफिक सोसाइटी एसोसिएशन की जो घटना वो था, इस्टेब्लिशमेंट था, ये सब कुछ सैयद अहमद खान ने किया था, इंडियन मुस्लिम को रीजनरेट कर रहे थे ये, उनको मतलब साइंस के बारे में बताना, उनको पढ़ने लिखने के लिए मॉडर्न एजुकेशन की बात करना, ये सब सर सैयद अहमद का कमाल है। नेक्स्ट है, हु वाज अ टीटू मीर, टीटू मीर किसे कहते थे, कौन था टीटू मीर, क्या वो लीडर ऑफ बहावी मूवमेंट थे, नहीं, क्या वो लीडर ऑफ फराजी मूवमेंट थे, नहीं, फराजी मूवमेंट के सरायतुल्ला थे, तो ये नहीं हो सकता, बहावी के भी नहीं है, लीडर ऑफ सिपाही मिटनी, लीडर ऑफ इंडिगो रिवोल्ट, सही आंसर आपको चुनना है दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 54 का, ये फराजी मूवमेंट के ही फाउंडर थे, वाज टीटू मीर फराजी जो मूवमेंट था ना, ये जो था ये सरायतुल्ला के लीडरशिप में हुआ था, लेकिन टीटू मीर भी इनके साथ थे, इसलिए करेक्ट आंसर है बी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ फेमिनिज्म एज ए मूवमेंट, फेमिनिज्म एज ए मूवमेंट का प्रोपोनेंट कौन था, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों एनी बेसांट, एनी बेसांट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर करना है आपको स्टेटमेंट और फिर करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। पहला स्टेटमेंट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडेड द बेथून स्कूल एट कैलकाटा विद द मेन एम ऑफ इंकरेजिंग एजुकेशन फॉर वुमेन। ये सही है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, कोई बात नहीं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। क्या ये सही है दोस्तों? तो जी हाँ, ये भी सही है। केशव चंद्र सेन कैंपेन अगेंस्ट सती लेड टू द इन्हेंसमेंट ऑफ लॉ इनैक्टमेंट फॉर लॉ टू बैन सती बाई देन गवर्नर जनरल। ये गलत है, यहाँ पे आना चाहिए केशव चंद्र सेन की जगह राजा राम मोहन रॉय। तो एक और दो सही है, करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर ऑफ सोम प्रकाश। सोम प्रकाश किसने लिखी थी? सोम प्रकाश लिखी थी किसने? क्या वो दयानंद सरस्वती ने लिखी थी, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी थी, या राजा राम मोहन रॉय ने, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने? करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। करेक्ट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक न्यूज़पेपर की स्टार्ट की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक भूविवाह, भूविवाह किसने लिखा था? करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन कोलेबोरेशन विथ डेविड हरे एलेक्जेंडर डफ हु ऑफ द फॉलोइंग इस्टेब्लिश हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। किसने किया था हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता डेविड हरे और एलेक्जेंडर डफी के साथ मिलकर? करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों राजा राम मोहन रॉय। ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी इसको डिस्कस किया था हमने। दो सवाल और है दोस्तों, इसको देख लेते हैं फिर अपना ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज फॉर्म, व्हाट वॉज द रीजन ऑफ इट्स फॉर्मेशन? सो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस क्यों फॉर्म किया गया था? तो ये किया गया था ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट, बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी डिड नॉट वॉन्ट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म इन इट्स डेलीब्रेशन एंड डिसाइडेड टू फॉर्म सेपरेट बॉडी फॉर सच पर्पज। इसलिए इसको नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को फाउंड किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सोशल रिफॉर्म को अपने एजेंडा में रखें, बोला कि इसके लिए एक सेपरेट जो है एक बॉडी बना लेते हैं, तो ये इसलिए बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, 61 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज से रिलेटेड एक इनमें से करेक्ट चुनना है आपको। पहला देखिए, इट अपोज्ड आइडल्ट्री, बिल्कुल सही है। इट डिनाइड द नीड फॉर प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, ये भी सही है। इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन दैट वेदाज आर इनफॉलिएबल। देखो ब्रह्मो समाज ने ये जो किया था ना, ये आर्य समाज ने किया था। दोनों सही है बट तीसरा सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। ठीक है, 1 and 2 ओनली। सो दोस्तों ये यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, और हमारा ये जो चैप्टर था जिसका नाम था सोशल रिलीजियस मूवमेंट इन 19th and 20th सेंचुरी, ये कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।